अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष नितिन व्यास ने कहा कि छात्रवृत्ति घोटाले की जांच सरकार सीबीआई से करवाए, इसके बाद ही घोटाले में संलिप्तों का पर्दाफाश होगा। इसके साथ ही सरकार छात्र संघ चुनावों को बहाल करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों का आधारभूत ढांचा बिगड़ा हुआ है, इसे सरकार सुदृढ़ करे। इन सभी मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2 फरवरी को उपायुक्त व एसडीएम के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने बताया कि 6 फरवरी को जिला केंद्रों पर छात्रवृत्ति को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, 8 फरवरी को इकाई स्तर पर धरना प्रदर्शन होगा। यह बात उन्होंने हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रदेश में 100% मतदान अभियान चलाया जाएगा। 10 से 25 फरवरी 2019 तक युवा मतदाता जागरण अभियान चलाया जाएगा। छात्रवृत्ति घोटाले की सीबीआई जांच, ये मैंने आपके समक्ष पहले भी विषय रखा, इसमें हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन करा था और हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस जो छात्रवृत्ति घोटाला सीएसटी के नाम पे हुआ था उसको सीबीआई को सौंप दिया, लेकिन अभी भी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। तो हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए कि आम छात्र जाने कि उसका जो पैसा हमें गया कहाँ, तो कहाँ पे जा रहा है, गबन कहाँ पे हो रहा है। एक और इसमें हिमाचल प्रदेश में जो छात्र शोध कर रहे हैं, उसमें छात्रवृत्ति जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। हम देखते हैं कि आज जो छात्रवृत्ति बड़ी कम बच्चों को बड़ी कम छात्रवृत्ति मिलती है, उससे वो अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे जो हिमाचल प्रदेश में अनेकों ऐसे छात्र हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड और इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक वजह से वो अच्छा उस तरीके नहीं कर पा रहे हैं। तो विद्यार्थी परिषद की मांग है कि छात्रवृत्ति शोध करे विद्यार्थियों के लिए ज्यादा से ज्यादा हो, उसको बढ़ाया जा सके।